हेलो एवरीवन, आप सबको आज गोवा के एक वाटरफॉल में लिए चलती हूँ अपने साथ। मेरे इस खूबसूरत सफ़र में बने रहिएगा। और यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से एक ग्रुप के साथ मैं गोवा के असोडम वाटर पार्क वाटरफॉल में जा रही हूँ, और वहाँ ट्रैकिंग करके जाना होता है। फिसलन भरे रास्ते हैं, लेकिन इसके साथ ही खूबसूरत नज़ारे भी हैं। और आपको कहीं दूर से वाटरफॉल की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देगी, जब तक कि आप अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाएं। इस तरह चलते हुए जंगलों के बीच से और चिड़ियों की आवाज़ सुनते हुए तरह तरह के पेड़ पौधे, और एक अलग ही माहौल है। हल्की सी धूप है, बादल भी छाए हुए हैं, और ये पूरा नज़ारा अपने आप में एक अलग ही ऑरा क्रिएट करता है, बहुत सुंदर। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सतर्क भी रहें, सावधान रहें, क्योंकि जब कभी भी हम किसी ट्रैक पे जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक अच्छा गाइड होना उतना ही ज़रूरी है, और एक अच्छा ग्रुप होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के रास्ते में हमें नहीं पता होता कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। पथरीले रास्ते, छोटे छोटे पत्थरों वाली नदियाँ, और बहुत ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चूँकि मानसून का समय है, इसलिए अभी आप देखें हमारे रास्ते में ये कितना खूबसूरत सा नज़ारा आया। तो मानसून में कुछ ऐसा ही दिखता है गोवा। और ये देखें रास्ते में कुछ इस तरह के जंगली फूल, और इतनी तरह की तितलियां मैंने यहाँ देखी, बहुत तरह की और बहुत सारी। और ये अब हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, असोडम वाटरफॉल। और ये तीन लेयर में बटा हुआ है, और हर एक की अपनी खूबसूरती है, और तीनों जगह आप उतना ही इंजॉय करेंगे। और आप देखें कि ये पानी कितना क्लीन है। और एक और चीज़ कि ये खूबसूरती आपको गोवा में मानसून के वक्त ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अपने पूरे परवान पे होता है। और जिन लोगों को मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप इंजॉय ज़रूर करें, स्विमिंग करें, लेकिन अगर आप स्विमिंग नहीं जानते तो इस तरह की नदियाँ थोड़ी ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि इसकी गहराई का हमें अंदाज़ा नहीं होता है। पाँव के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो अपने गाइड के संरक्षण में ही ये काम करें। गाइड के रहने से हम महफूज फील करते हैं। और मैं इस पूरे नज़ारे के साथ अपने कैमरे के साथ न्याय नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वो पूरी क्लिपिंग बहुत अच्छे से ले नहीं पाई। ये देखें, ये हमारे गाइड हैं, इनके रहते हमें किसी बात का डर नहीं। और हमें हाँ, एक और चीज़ देखें, कुदरत का ये खूबसूरत सा नज़ारा देखें। हम फिश स्पा लेते हैं, फिश थेरेपी लेते हैं, जिसमें छोटी मछलियाँ आपके डेड स्किन को निकालती हैं। ये देखें कितना सुंदर नज़ारा है। आप जब इस वाटरफॉल पर जाएँगे तो आप एक जगह किनारे पे शांत होकर बैठ जाएं, ये मछलियाँ खुद ब खुद आपके पैरों को, आपके डेड स्किन को क्लीन कर देंगी, और आपको बहुत सुकून सा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखें, मानसून में एक और ख़ास बात होती है कि बादल भी होते हैं, और इस घने जंगल में इतने सुंदर नज़ारे के साथ बादल, नदी, जंगल, ये सब मिलके इसको एक बेहतरीन दृश्य आपके सामने पेश करते हैं। और मैंने तो बहुत देर तक स्विमिंग की, और पानी बहुत ठंडा है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं छोड़ती नहीं। करीब 4 घंटे हम वहाँ रहे, और 4 घंटे तकरीबन मैं पानी में ही रही, क्योंकि एक भी पल मैं खोना नहीं चाहती थी। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे सुंदर नज़ारों के बीच कुछ सावधानियाँ आप ज़रूर बरतें, क्योंकि इतना बहाव तेज़ है इस पानी का कि अगर आप
अलर्ट नहीं रहते हैं तो एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। यहाँ अब हम गोवा के बहुत ही मशहूर अगुआड़ा फोर्ट जा रहे हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं पैदल ही जा रही हूँ क्योंकि मैंने पैदल जाना चुना। जनरली लोग यहाँ पे गाड़ी से ही जाते हैं, 4 किलोमीटर का तकरीबन रास्ता है, लेकिन आप सबको पता है कि मैं नेचर से कितना प्यार करती हूँ और मुझे इस तरह चलना बहुत पसंद है ताकि मैं सारे रास्ते को निहार निहार के देखती रहूं। और ये रास्ता भी बहुत ही सुंदर, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं बिल्कुल भी नहीं थकी और रास्ते में मुझे बहुत सारे जीव जंतु भी मिले और उनमें यहाँ देखें, अब हम अगुआड़ा फोर्ट पहुँच चुके हैं और इस फोर्ट में आपको हरियाली, बादल, समंदर, इन सब का एक बहुत ही सुंदर समावेश देखने को मिलेगा क्योंकि जनरली समंदर किनारे मैंने इतने हरियाली और पेड़ पौधे नहीं देखे हैं जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। आगे आप देखेंगे कि समंदर किनारे इतने सारे पेड़ पौधे थे कि बड़ा ही सुंदर। और चूंकि मानसून का सीज़न अभी चल रहा था इस वजह से ये खूबसूरती कई गुना बढ़ गई थी। यहाँ से देखें, बहुत ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। आप घास को देखें कितना सुंदर कलर बिखेर रहा है यहाँ पे। और मॉनसून के दिनों में आपको जगह जगह बीच पे बैन लगे होते हैं, रेड फ्लैग होते हैं, क्योंकि सागर अपने पूरे उफान पे होता है और ये किसी हद तक बहुत ख़तरनाक भी होता है। और ये देखें, ये मैंने, हम लोग हमेशा कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की बातें किया करते हैं, ये देखें उस ज़माने में उस किले में वाटर हार्वेस्टिंग का एक ये बेहतरीन उदाहरण है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और जिस ग्रीनरी की मैं बात कर रही थी वो यहाँ से ऊपर से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। डेंस जंगल, इतना डेंस कि हमें बीच में कोई एक जगह नहीं दिख रही थी, ऊपर से इतना सुंदर लग रहा था। और ये देखें, दिल थाम लेने वाला नज़ारा, क्योंकि मानसून का सीज़न होने पे एक और फ़ायदा है कि आप दिन में भी बैठ के यहाँ पे इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और इस बीच पे जब मानसून नहीं होता है तो आप फ्रिक्वेंटली जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त दूर से ही सागर को देखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी आप देखेंगे ये नज़दीक से देखने पे आपको इसकी प्रचंड लहरों का एहसास होगा, प्रकृति की ताकत का एहसास होगा। ये अपने आप में बहुत अनोखा है, ऐसा लगता है इसको देखते हुए कि हम कहीं खो से गए हैं। ये बहुत सुंदर है और ये फोर्ट के ऊपरी भाग से ही आपको ये सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो इनका भरपूर इंजॉय कीजिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ इन सब जगहों पे, हो सके तो मानसून में ही जाएं। आप अगर यहाँ घंटों भी रह गए, दिन भर भी रह गए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत गया। और यहाँ मेरी जर्नी अब ख़त्म होती हुई इस सुंदर नज़ारों के साथ आपको यहीं छोड़ जाती हूँ। और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेचर से जुड़े रहें, प्रकृति से प्यार करते रहें, जीवन बहुत खूबसूरत है। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।